ये एप्लीकेशन जो लगाई है, अब एप्लीकेशन लगाने का तो अधिकार कोई भी दरख्वास्त लगा दी, लेकिन अब व्हाट इज द मटेरियल कि प्रोसिक्यूशन ने पूरा जो पहले अभियोजन ने उस तरह से करके, तो इनका जो बयान है अभी तो इसका जवाब देंगे। सिर्फ एप्लीकेशन लगाने से जस्ट कुछ सनसनी फैलाने वाली बात है और कोई बात सब्सटेंशियल बात नहीं समझ में आ रही, इसका जवाब दिया देंगे वो, दूसरी साइड देगी और वो और उस पर वो होगा। बाकी तो मैटर तो पेंडिंग है ही है विदर देश। अगर एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया जाता है तो लगता है कि मामला नहीं, अभी तो देखिए एप्लीकेशन में क्या लिखा है ये पता नहीं। ये मुलजिम है तो मुलजिम का जो खुद मुलजिम है एक उसमें, तो इनका जो बयान है कुछ अगर कोर्ट में बयान देंगे तब जाके कुछ होगा। अभी तो एप्लीकेशन लगाई है तो सेक्शन वर्चुअली एक जो मुलजिम का जो बयान होता है वो स्टेज भी अभी नहीं आई है। तो सेक्शन 30 ऑफ द एविडेंस एक्ट में पुलिस को इन्होंने क्या बताया, एविडेंस एक्ट ही लगता है जो एक, लेकिन अब इनको पुलिस ने बयान जब लिया था तब इन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया, क्या कागजात हैं या क्या नहीं है, ये अभी तो सिर्फ एक आवेदन है जिसका कोई खास अब अदालत चाहे विचार करेगी, चाहेगा तो जवाब मांगेंगे जिनके खिलाफ दरख्वास्त लगाई गई है मनमोहन सिंह जी के, और अगर अदालत समझती है कि नहीं ये नहीं है तो उसको रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। अभी मामला क्योंकि विचाराधीन है चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है जो नोटिस गया था, तभी तो वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।